हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बिहार आईटीआई के जितने भी छात्र थे जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर मेरा कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा, रिजल्ट घोषित हुए 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, तो उनके लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपका काउंसलिंग का डेट आ गया है। सबसे पहले आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने ऑनलाइन काउंसलिंग आईटीआई कैट का जो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी जारी कर दिया है। उनका ऑनलाइन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं दिनांक 28/4। यहाँ पे पूरे नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का, वहाँ से जाके हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। जैसे ही आगे काउंसलिंग के लिए जो फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट का अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, पूरा अपडेट वहाँ फेसबुक पेज पे हम लोग अपलोड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप पेज को लाइक करके पूरा नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा नोटिफिकेशन को 1 by 1 समझाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 28/4 को आपका एग्जाम हुआ था, जिसका 2 को रिजल्ट निकला था। उसके बाद आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर मेरा कब से काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग का डेट निर्धारित कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटीआई कैट 2019 ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ 14/8/2019, यानी कि आज से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियल साइट पे होगा, अभी उसका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा बीसीसी के द्वारा, आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए करना है। तो आज से आपका काउंसलिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। 19 तारीख को आपका लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद आपका 26 तारीख को फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा अपडेट, पहला काउंसलिंग का 26 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा, जिसको आप 26 से 29 अगस्त के बीच डाउनलोड करके 31 से 6 के बीच में आप रिपोर्टिंग सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा 31/8/2019 से 6/9/2019, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपका सेकेंड राउंड का पब्लिकेशन रिजल्ट 10/9/10 सितंबर को आएगा, जिस पे आप 10 सितंबर से 14 सितंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं उसे अलॉटमेंट लेटर, जो सेकेंड डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर आप कह सकते हैं उसे, जिसके बाद आप 15 से 20 तक वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का करा सकते हैं सेकेंड राउंड का। उसके बाद आपका 22 को थर्ड मेरिट लिस्ट का रिजल्ट आएगा, जिसके बाद आप 22 से 24 के बीच में उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे आप वेरीफाई करा सकते हैं 25 से 28 तक। तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पे जाके पूरा डाउनलोड कर लीजिए। 14 तारीख आज से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। आप लोग के माइंड में सवाल आ रहा होगा क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, जो आईटीआई का एग्जाम देने गए थे तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वो लगेगा, रैंक कार्ड लगेगा, प्रिंट आउट जो आप च्वाइस अभी भरिएगा, रजिस्ट्रेशन कराइएगा ऑनलाइन, उसके बाद कॉलेज का च्वाइस डालिएगा। तो आप लोग क्या क्या कीजिएगा रजिस्ट्रेशन के समय ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, तो रोल नंबर और पासवर्ड, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा उसके बाद रोल नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन करके च्वाइस में जो भी कॉलेज जो भी ट्रेड डालना आप डाल सकते हैं। तो क्या क्या आपका लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, प्रिंट आउट च्वाइस स्लिप का, जो अभी आप च्वाइस भरिएगा आज से जो लिंक स्टार्ट होगा, उसके बाद आप च्वाइस कॉलेज का और ट्रेड का भरिएगा, उसका प्रिंट आउट, डाउनलोड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी का हार्ड कॉपी लगेगा, 6 आपका पासपोर्ट साइज का फोटो कॉपी लगेगा, कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगेगा, या मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र भी और मूल अंक पत्र भी लग सकता है।
तो आपका बहुत बड़ी अपडेट है, आज से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग ITI कैट का। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दिया जाएगा और एक वीडियो लाएंगे, लाइव कर देंगे वीडियो और स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल से ही घर बैठे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।